मॉडर्न विद्या मंदिर, पब्लिक स्कूल, शिव कॉलोनी पलवल, ठीक है। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। सार संक्षेप में, राष्ट्र निर्माण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ समूहों में राष्ट्रीय चेतना प्रकट होती है। राष्ट्र निर्माण के प्रमुख तत्व औद्योगिकरण, नगरीकरण, शिक्षा तथा राजनीतिक भागीदारी है। राष्ट्र निर्माण के मार्ग में मुख्य बाधा सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, गरीबी तथा निरक्षरता है। राष्ट्र निर्माण के लिए बाधाओं को दूर करना आवश्यक है। राष्ट्र निर्माण में राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय संदर्भ में राष्ट्र निर्माण के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू का दृष्टिकोण सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक एवं सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। भारत की विभाजन की विरासतों में शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या, कश्मीर की समस्या तथा राज्यों के पुनर्गठन की समस्या शामिल है। स्वतंत्रता तो प्राप्ति से ही भाषा एक विवाद का विषय बनी रही है। भाषा की समस्या को हल करने के लिए त्रिभाषी फार्मूले को अपनाया गया है। हिंदी का सरकारी भाषा बनना और भाषी विवाद। 26 जनवरी 1965 को हिंदी सरकारी भाषा बन गई, लेकिन जब इसको लागू करने का प्रश्न आया तो भारत के अधिकांश प्रश्नों में भारी प्रदर्शन एवं दंगे हुए। विशेषता मद्रास, बंगाल और केरल में हिंदी विरोधी, जबकि उत्तरी राज्य राजस्थान, प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि में हिंदी के समर्थन में प्रदर्शन हुए। भाषी विवाद के दिनों में सितंबर अक्टूबर 1961 में दिल्ली में हुए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया था कि सेकेंडरी शिक्षा के लिए त्रिभाषा फार्मूला प्रयोग में लाया जाए। यह कहा गया कि हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ एक और आधुनिक भाषा अपनाई जाएगी और गैर हिंदी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भाषा को पढ़ाए जाने की व्यवस्था की जाए। धीरे धीरे हिंदी अंग्रेजी भाषा का स्थान ले लेगी, लेकिन त्रिभाषी फार्मूला एक मजाक बनकर रह गया। 1965 में हिंदी विरोधी दंगों को शांत करने के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने यह आश्वासन दिया कि हिंदी को सरकारी स्तर पर लाने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि अंग्रेजी को भारत से बाहर निकाला जा रहा है। गैर हिंदी भाषी राज्य तब तक अंग्रेजी का प्रयोग करते रहेंगे जब तक वे हिंदी प्रयोग के लिए तैयार नहीं हो जाते। भारत प्रश्न आता है, भारत विभाजन के अच्छे व बुरे परिणामों का वर्णन करें। भारत का विभाजन सन 1947 में हुआ। इस विभाजन के अच्छे एवं बुरे परिणामों का वर्णन इस प्रकार है। भारत विभाजन के अच्छे परिणाम। भारत विभाजन से लोगों को आज़ादी अपेक्षाकृत जल्दी मिल गई। विभाजन के पश्चात भारत एवं पाकिस्तान में रहे अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करना आसान हो गया। विभाजन के पश्चात कानून व्यवस्था को लागू करना आसान हो गया। विभाजन के पश्चात प्रशासन को उचित एवं कुशलतापूर्वक चलाया जाने लगा। भारत विभाजन के बुरे परिणाम। सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी को दूसरी जगह जाना पड़ा। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से कत्ल किया। भारत विभाजन से महिलाओं को अवांछनीय यातना झेलनी पड़ी। भारत विभाजन से देश की एकता एवं अखंडता को गहरा धक्का लगा। राष्ट्र निर्माण को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करो। राष्ट्र निर्माण को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन इस प्रकार है। नंबर एक, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण राष्ट्र निर्माण को प्रभावित करता है। जैसे ही एक देश औद्योगिक उन्नति करता है, वैसे ही वहां के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है और वे अपनी पुरानी आदतें और परंपराओं को त्याग देते हैं। दूसरा पॉइंट है जन माध्यम का प्रसार। एक राष्ट्र में जन माध्यम के साधनों का विकास
और प्रसार भी राष्ट्र निर्माण की अपना योगदान देता है। जन माध्यम के साधनों में समाचार पत्र प्रसारण, डाक एवं तार प्रबंध, सड़कें, रेलें, वायु सेवाएं, चलचित्र, टेलीविजन आदि शामिल हैं। इन साधनों द्वारा नागरिकों में अधिक जानकारी तथा चेतनता उत्पन्न होती है। तीसरा पॉइंट है इसमें धर्मनिरपेक्ष संस्कृति का प्रसार। धर्मनिरपेक्ष संस्कृति भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देती है, क्योंकि कट्टर धर्म कई बार नागरिकों में फूट और घृणा पैदा करता है। इसके विपरीत यदि एक देश में लोग धर्म निरपेक्ष संस्कृति को अपना लें तो उनका दृष्टिकोण विशाल हो जाता है। अगला पॉइंट है इसमें राजनीतिक भागीदारी। राजनीतिक भागीदारी भी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाती है। इसका अर्थ यह है कि लोगों को राष्ट्र की राजनीति क्रियाओं में भाग ले लेना चाहिए। यदि वे राजनीतिक क्रियाओं, जनताओं के कामों और निर्णयों में भाग लेते रहेंगे तो राष्ट्र निर्माण में वृद्धि होती है। राजनीतिक भागीदारी के साथ अवसरों की समानता भी उत्पन्न होती है। इससे जाति पात के प्रभावों को भी पराजित किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्र निर्माण के किन्हीं चार बाधक तत्वों का वर्णन कीजिए। जातिवाद राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। दूसरा पॉइंट है, भाषावाद ने राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं पैदा कर की हैं। तीसरा पॉइंट है, क्षेत्रवाद ने राष्ट्र निर्माण की भावना को हानि पहुंचाई है। चौथा पॉइंट है, भारत में कुछ सांप्रदायिक दल पाए जाते हैं जो राष्ट्र निर्माण के मार्ग में रुकावट सिद्ध होते हैं। अब क्वेश्चन आता है इसमें कि भारत विभाजन के अच्छे परिणाम बताइए। भारत विभाजन से लोगों को आजादी अपेक्षाकृत जल्दी मिल गई। विभाजन के पश्चात भारत एवं पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करना आसान हो गया। विभाजन के पश्चात कानून व्यवस्था को लागू करना आसान हो गया। चौथा पॉइंट है इसमें, विभाजन के पश्चात प्रशासन को उचित ढंग से चलाया जाने लगा। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है इसमें कि भारतीय राजनीति में भाषा की भूमिका पर संक्षिप्त नोट लिखिए। भाषा ने भारतीय राजनीति को निम्नलिखित ढंग से प्रभावित किया है। नंबर एक, राष्ट्रीय एकता को खतरा। राष्ट्रीय एकता के लिए एक सामान्य भाषा का होना अति आवश्यक है। संविधान निर्माताओं ने यही बात सोचकर हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया था, परंतु भाषा के विवाद ने राष्ट्रीय एकता व अखंडता को करारी चोट पहुंचाई है। दक्षिण के राज्य और उत्तर के राज्यों में मुख्य विवाद का कारण भाषा ही है। दूसरा, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के आधार पर भारत को 14 राज्यों तथा 6 संघीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया, परंतु राज्यों के 1956 के पुनर्गठन से समस्या समाप्त नहीं हुई, बल्कि उसके बाद भी अनेक राज्यों का पुनर्गठन किया गया और आज भारत में 29 राज्य और 7 संघीय क्षेत्र हैं। आज भी अनेक क्षेत्रों के भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग उठाई जाती है। तीसरा पॉइंट, क्षेत्रवाद की भावना का विकास। भाषा के आधार पर ही लोगों में क्षेत्रवाद की भाषा का विकास हुआ है और विभिन्न भाषा बोलने वाले पृथक राज्य की मांग करते हैं, जिससे भारत की एकता खतरे में पड़ सकती है। चौथा, सीमा विवाद। भाषा के कारण अनेक राज्यों में सीमा विवाद उत्पन्न हुए हैं और आज भी अनेक राज्यों के बीच यह विवाद चल रहे हैं। उदाहरण स्वरूप, पंजाब और हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक तथा केरल इत्यादि में सीमा विवाद विद्यमान है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि राष्ट्र के किन्हीं चार तत्वों का वर्णन करो। राष्ट्र निर्माण के किन्हीं चार तत्वों का निर्माण कीजिए। और तीसरे प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्र को जन्म देने वाले चार तत्व बताइए। ये तीन प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। एक, इसका है पॉइंट नंबर एक होगा कि सामान्य मातृभूमि। प्रत्येक मनुष्य को अपनी मातृभूमि अथवा अर्थात
अपने जन्म स्थान से प्यार होना स्वाभाविक ही है। एक ही स्थान या प्रदेश पर जन्म लेने वाले व्यक्ति मातृभूमि से प्यार करते हैं और इस प्यार के कारण वे आपस में एक भावना के अंदर बंद हो जाते हैं। नंबर दो, वंश की समानता। कुछ लेखकों ने राष्ट्रीयता के लिए वंश पर जोर दिया है। वंश अथवा जाति की समानता से अभिप्राय व्यक्तियों के उस समूह से है जो एक ही पूर्वजों से संबंधित है, जो वे रूप, आकार, रंग, कद आदि कुछ शारीरिक समानताएं रखते हैं। तीसरा पॉइंट है सामान्य भाषा। सामान्य भाषा राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा के द्वारा ही एक मनुष्य अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। चौथा, सामान्य धर्म। सामान्य धर्म से ही एकता उत्पन्न होती है। धर्म के नाम पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं और धर्म के नाम पर अपना जीवन भी बलिदान दे देते हैं।